हेलो एंड वेलकम, मैं हूं आरजे अंकुर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। अब ये केस मुंबई पुलिस वर्सेस बिहार पुलिस हो गया है। अभी तक कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस अभी भी आनाकानी में लगी हुई है और महाराष्ट्र सरकार पर भी सवालों की झड़ी लगती जा रही है। मतलब हद है, ऐसे कौन लोग हैं यार जो सीबीआई इंक्वायरी चाहते ही नहीं है। पब्लिकली भी चाहे ट्विटर हो या गूगल, #CBI इंक्वायरी फॉर सुशांत सिंह राजपूत ट्रेंड किया गया। मतलब पब्लिक भी चाहती है कि सीबीआई इंक्वायरी हो, लेकिन मजाल है महाराष्ट्र सरकार पर एक जू भी रेंगती हो। इस पूरे केस में रिया चक्रवर्ती और उनकी फैमिली का हाथ है, ऐसा सुनने में आ रहा है। सुशांत की कंपनी में रिया के भाई की भी हिस्सेदारी थी, और तो और रिया और उसकी फैमिली ने सुशांत सिंह राजपूत पर जादू टोना भी करवा रखा था, ऐसा सुनने में आ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के घर 7 दिन में से 4 दिन तो हवन किया जाता था। 23 मार्च के आसपास रिया ने सुशांत सिंह का बॉडीगार्ड क्यों बदला, सुशांत के अकाउंट में से 15-16 करोड़ क्यों निकाले, और तो और सुशांत के प्रॉपर्टी के कागज भी रिया के पास क्यों, ज्वेलरी क्यों, लैपटॉप क्यों। इन सब चीज़ों से यही लगता है कि सुशांत का या तो वशीकरण कर रखा था या उन्हें वो ब्लैकमेल कर रही थी। पायल रोहतगी जो काफ़ी दिनों से सुशांत के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग कर रही हैं और लोगों को बता रही हैं कि बॉलीवुड में माफिया कैसे काम करता है, और जो बॉलीवुड के पापा बने बैठे हैं उन सबको पहले ही दिन से एक्सपोज कर रही है। पायल का कहना है कि रिया चक्रवर्ती जैसी लड़कियां सेक्स का इस्तेमाल करती हैं और लोगों के इमोशंस के साथ खेलती हैं, वही सुशांत सिंह राजपूत के साथ हुआ। रिया सुशांत को दवाइयों का ओवरडोज दिया करती थी। बॉलीवुड के कुछ लोग रिया को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, और तो रिया ने देश के सबसे बड़े वकील को हायर किया है जो संजय दत्त और सलमान खान का केस लड़ चुके हैं। रिया चक्रवर्ती, तुमने अपना करियर बनाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को इस्तेमाल किया, उसको पागल बना दिया, उसका पैसा हड़प लिया, और अब बैठ के तुम ड्रामा कर रही हो कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, 1 महीने से उनके साथ क्या हुआ मुझे नहीं पता, एंड उनकी किस चीज ने उन्हें पुश किया फॉर यू नो कमिटिंग सुसाइड, आई डोंट नो। एक्सक्यूज मी, उसने आपको फोन किया था, आपने उसके फोन ब्लॉक करके रखे थे, आपने सारी उसकी फोटोग्राफ्स डिलीट कर दी थी सोशल मीडिया से, और अब बैठ के ये ड्रामा करती हो कि आई रियली डोंट नो व्हाट पुश्ड हिम टू कमिट दिस थिंग व्हेन you are tagging the Gruh Mantri Amit Shah ji. What a bitch you are, you know, Riya Chakravarti. And I really hope that aapko aisa jail mile jis jail mein aapko pata chalegi ki kya hota hai kisi ko confine karna. Ji haan, because you have been accused of wrongful confinement, unlawful confinement of Sushant Singh Rajput. Ab kaun hoti hai unko apni family se dur karne wali? What a third grade woman you are. So let's see what's going to happen further, because ye information sunne ke baad there has been a lot of development in Sushant Singh Rajput's case in terms of some kind of movement. Ab dekhte hain kya sach hai, kya the abetment to suicide is actually the real reason for Sushant Singh Rajput's death, ya there is the Bollywood mafia angle which employed some people, some goons who carried out a pre-planned murder. We really don't know what exactly is the reason for his death. But whatever said and done, it was not a simple suicide, and that is for sure. Because ab jaake sabke pole khulne wale, sabke raaz khulne wale. Chahe wo kitna bada hi production house kyun na ho, kitna bada hi superstar kyun na ho, kitna purana hi superstar kyun na ho, kitna purana hi production house kyun na ho. We people who have been affected by Sushant Singh Rajput's death are going to strip everybody and show everybody's real face to the public. Namaste.